के निर्देश पर वैश्विक महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में जहां वैक्सीनेशन पूरी तरह से निःशुल्क होगा, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में कुछ पैसे देकर वैक्सीनेशन का लाभ लिया जा सकेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, थर्ड फेज में कोमॉर्बिड 45 साल से ऊपर के लोगों का और 60 साल के ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करना है हमें, जिसपे करीब 5 लाख के आसपास हमारे बेनिफिशरीज हैं इस रेंज में। चूँकि और कुछ जिलों प्रदेशों में कोरोना महामारी थोड़ा सा अपना और प्रकोप फैला रही है, तो सरकार ने निर्णय लिया कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इन्वॉल्व कर लें, जिससे कि वैक्सीनेशन हम जल्दी जल्दी करा सकें। तो उसी सिलसिले में हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो किसी CGHS से रिकॉग्नाइज हो या आयुष्मान भारत से वो आच्छादित हो, तो वो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हैं, उनको हम बुलाए हुए थे एक छोटी सी मीटिंग के लिए कि आप कैसे वैक्सीनेशन कराएंगे, कैसे पोर्टल पर एंटर कराएंगे। इसके रिहर्सल एक जैसा कराया गया और उसी के लिए सिलसिले में हम लोग मीटिंग लिए हुए थे। और चूँकि भारत सरकार की गाइडलाइन है कि प्राइवेट के लोग 7 दिन करा सकते हैं या 6 दिन करा सकते हैं, उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये कहा गया है कि जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और BRD मेडिकल कॉलेज में 6 दिन हम वैक्सीनेशन करेंगे और बाकी हमारी CSC PSCs जो हैं उसमें हम 3 दिन करेंगे, मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। क्योंकि बुधवार और शनिवार हमारा रूटीन टीकाकरण होता है, तो कुछ दिन हम स्पेयर उसमें किए हुए हैं, जिससे वो भी हमारे प्रोग्राम बाधित ना हो और जिस तरह से हम वैक्सीनेशन जल्दी जल्दी हम सबका कर सकें। अभी लाभार्थी 60 साल से ज़्यादा के सभी लोग हैं और 45 साल से के ऊपर के जितने लोग हैं जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, और इस तरह से 20 बीमारियां हैं जिन बीमारियों में जो लंबे समय तक दवाइयां चलती हैं, जिससे कि इम्यूनिटी उनमें कम रहती है और बीमार होने के चांसेस ज़्यादा।